तो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल और आई होप आप सबको बहुत 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 अच्छे होंगे। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं ससुराल यानी नेटिव टाउन जा रहे हैं। लड्डू अपनी दादा दादी के घर जा रही है ना लड्डू? ज़ोर ज़ोर से बात नहीं कर पा रही हूँ। चलिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें हम किस तरीके से जाते हैं। तो आज हम जा रहे थे अपने नेटिव टाउन, तो यहाँ से हम ऑटो से जाके उसके बाद ट्रेन में जाते, तो यहाँ पे स्टेशन में काफ़ी भीड़ इसलिए हम वहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए थे। अब हम ट्रेन में चढ़ चुके हैं और ये देखिए ट्रेन स्टार्ट भी हो चुकी है। ट्रेन नेक्स्ट स्टेशन में आके यहाँ पे रुक भी चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं लड्डू थोड़ा सो गई थी, ये देखिए, क्योंकि बहुत सुबह को उठी थी लड्डू, कम से कम 3:30 बजे उठी थी, तो इसलिए टायर्ड हो गई थी। और बहुत खाली था ट्रेन, भीड़ नहीं था, अच्छा था, काफ़ी हल्का हल्का था ट्रेन एकदम बिल्कुल। तो ज़्यादा रश रहता है तो ज़्यादा दिक्कत होता है गर्मी में। पूरा एकदम खाली था तो बहुत अच्छे से हम लोग गए थे अपने नेटिव टाउन में। बहुत दिनों बाद गए थे, कम से कम 7 से 8 महीने के बाद हम जा रहे थे, तो हम लोग बहुत खुश थे अपने नेटिव टाउन जाने में। और फ्रेंड्स किस किस को अच्छा लगता है इस ट्रेन से बाहर का सीन देखने में? मुझे तो काफ़ी पसंद आता है बाहर का सीन देखने में। देखिए बिल्कुल सुबह को हरा भरा सा एकदम नेचर काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत 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 अच्छा लगता है बाहर का सीन देखने में ट्रेन में से। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हम क्या क्या मस्ती करते हैं, वो भी ट्रेन में। और ये देखिए लड्डू यहाँ पे उठ चुकी है और उसके पापा अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये देखिए, देखिए कैसे मस्ती करी है कैमरे के सामने। मुझे बहुत मस्ती सूझ रही थी उस वक्त। और बाहर का ये देखिए मार्केट जब ट्रेन से दिखता कितना अच्छा लगता है ना। सुबह सुबह था तो सब मार्केट बंद था, खुला हुआ नहीं था, बहुत कम ही मार्केट था जब खुला हुआ था। और लड्डू अभी देख रही है और यहाँ पर देखिए अभी लड्डू अपने पापा के पास चली गई है। ट्रेन इतना ही खाली था कि लड्डू कभी मेरे पास बैठ रही, कभी उधर जा रही, कभी इधर जा रही, बस यही कर रही है वो। और अभी उधर जाके पापा के साथ मस्ती कर रही है, खेल रही है। ये देखिए आप देख सकते हैं सभी किस तरह से वो मस्ती कर रही है। और उसको अभी भी नींद नींद सा लग रहा है, सो के उठी है लेकिन फिर भी अभी उसको नींद नींद सा लग रहा है, मुझे नींद आ रहा है, मुझे नींद आ रहा है, इस तरह कर रही है। तो ऐसा भी देखिएगा किस किस को ऐसा होता है कि ट्रेन जब चालू होता है तो सभी को नींद सा लगता है कि थोड़ा सो जाओ तो अच्छा होता है। किस किस को लगता है कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स। ये देखिए कैसे करिए पापा के साथ मस्ती, ये देखिए, देख सकते हैं आप। उसको बहुत मज़ा आता है ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए। और जब वो बहुत खुश हो जाती है, जब नेटिव टाउन जाने का रहता है तो बहुत खुश हो जाती है, बोलती है मुझे ट्रेन में जाना है। उसको बहुत मस्ती लगती है। ये देखिए पापा के साथ खेल रही है, मस्ती कर रही है, या सीजर पेपर कट क्या खेल रही है, शायद पता नहीं, उसका गेम वही जाने। ये देखिए दोनों सोने का नाटक कर रहे हैं, देखिए, देख सकते हैं आप। खूबसूरत लग रहा है। बाहर में सिर्फ ग्रीनरी और ग्रीनरी हरा 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 कितना अच्छा लग रहा है देखने में। आंखों को भी बहुत आराम मिलता है इस तरह का सीन देखने में। ट्रेन से इतना सुंदर सीन और पेड़ सब देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। कटिंग ऐसा किया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। सुबह सुबह तो आंखों को भी बहुत राहत मिलती है इतना सुंदर सीन देखने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे शहर में तो इतना पेड़ पौधे देखे नहीं जाते हैं, लेकिन अगर हम जब जाते हैं गाँव की तरफ तो ये सब देखने को मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। और काफ़ी अच्छा लग भी रहा था। आप देख सकते हैं, आप सभी यहाँ पे पूरा हरा हरा सा है, इतना सुंदर लग रहा है देखने में। ये देखिए एक पेड़ में, एक जगह ट्रेन रुकी थी वहाँ पे पेड़ में देखिए कितने सारे आम हो रखे हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए जूम किया गया यहाँ पे, ये देखिए कितने सारे आम थे, कटहल का पेड़ था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। अभी हम स्टेशन में उतर चुके हैं। आप देख ही पाए होंगे, हम बहुत दिनों बाद अपने ससुराल या से रोड में आने के लिए काफ़ी यहाँ पे चलना पड़ता है, तो यहाँ पे हम चल रहे थे। ये देखिए लड्डू आसपास देख रही है इधर उधर क्या है क्या नहीं है। तो सुबह का टाइम था, सभी अपने काम में यहाँ बिजी थे, इसलिए इतना सारा साउंड आ रहा है आपको, आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, सॉरी। तो अभी यहाँ पे स्लोप जैसा था नीचे उतरने के लिए, ये देखिए लड्डू दर दर के उतरी है, उसे बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पर। क्यों लड्डू? हाँ। यहाँ पीछे से देखिए ट्रेन आ रही है, इसलिए इतना आवाज़, बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह हम पहुँच चुके थे। लड्डू अपने पापा के साथ बात कर रही है कुछ। ये देखिए ट्रेन जा रही है। अभी भी हम स्टेशन से थोड़ा सा रोड में उतरे, पर मेन रोड अभी तक आया नहीं है, अभी भी हम चल रहे हैं वहाँ से। अब हम मेन रोड में यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए कितना सुंदर लग रहा है, चारों तरफ पेड़ पेड़ और पेड़, चारों तरफ ट्रीज़, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए यहाँ पे हम टिफ़िन लेने के लिए यहाँ पे हम रुके हुए थे, यहाँ पे हम कुछ टिफ़िन खरीद के जा रहे थे। यहाँ पे देखिए लड्डू मिठाई देख के बहुत खुश हो गई है, आहा मिठाई। यहाँ पे देखिए टिफ़िन यहाँ पे हमारा रेडी हो रहा है, ब्रेकफास्ट जो हमारे बंगाली में है पेटाई परोटा, उसको बंगाली में बोलते हैं पेटाई परोटा। और क्या था ये जो यहाँ पर बहुत लजीज खाना था, यहाँ पे पेटाई परोटा था और जलेबी था, उसके बाद कलाकंद था, पानतुआ था, रसगुल्ला था। और ये पेटाई परोठा जो है काफ़ी टेस्टी होता है खाने में, और गरम गरम सब्जी के साथ मिलता है, बहुत ही सुंदर होता है। तो फ्रेंड्स हम लोग एंजॉय करते हैं, और हमारे साथ साथ आप लोग वीडियो देख के एंजॉय कीजिए। और ये ब्रेकफास्ट जो हम लोग यहाँ पर पैक करा रहे हैं, पैक करा के हम लोग घर में जाके आराम से बैठ के खाएँगे मम्मी पापा के साथ, तो इसलिए हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग क्या क्या एंजॉय किए हैं। अब यहाँ पे हम टोटो में बैठ चुके हैं। इसको टोटो नहीं बोलते हैं, इसको हेलीकॉप्टर बोलते हैं। नहीं नहीं, हमारे लिए तो टोटो है, टोटो हेलीकॉप्टर बोलते हैं। तो काफ़ी मज़ा आता है जब गांव में जाते हैं और ये सब मज़ा आता है, बहुत काफ़ी मज़ा आता है, इसे एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, उसे एंजॉय किया जाता है सिर्फ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों तरफ अभी दुकानें हैं, पर अभी सुबह के सिर्फ 8:30 बज रहे थे ना, 8:30 बज रहे, 8 बज रहा था, तो बस थोड़े थोड़े दुकान खुले हुए थे, जैसे ग्रोसरी या फिर सब्जी का जो दुकान है वो सब खुले हुए थे, बाकी अभी सब बंद था। अब हम पहुंच गए हैं, ये क्या लग गया है बालों में, तो अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, क्या लगा हुआ है बालों में। और लड्डू बहुत खुश, दादा दादी के घर में आते हैं लड्डू, हाँ हम लोग बहुत खुश हो चुके हैं, बहुत दिनों बाद हमारे, ये देखिए ये हमारा है ससुराल है ना। जैसे हम लोग फ्रेश हो जाते हैं, टिफ़िन हम खरीद के लाए हैं क्योंकि मम्मी अभी क्यों बनाएंगी मालूम, हम सजन टिफ़िन खरीद के लाए हैं, हम सब फ्रेश होके फिर टिफ़िन करेंगे। जैसे देखिए बाहर का नज़ारा सुबह सुबह इतना खूबसूरत लगता है ना, बहुत खूबसूरत लगता है, पूरा फ्रेश एक नेचुरल हवा है यहाँ पे। पसीना पसीना इतना गर्मी, गर्मी सब जगह में गर्मी। लड्डू क्या करेगी, लड्डू को पता नहीं है, ही हंस रही है। क्या करोगी लड्डू, देखती हूँ मतलब, अपने खुशी दिखाओ, दादा दादी के घर आई हो तो बहुत खुश हो, कैसे पता चलेगा हमें तुम बहुत खुश हो, उससे बात पता चलेगा। क्यों अभी पता नहीं चलेगा, अभी चलेगा उससे बाद में पता नहीं चलेगा। तो चलिए फ्रेंड, हम आपसे फिर बाद में, देखिए मम्मी ने कितना सुंदर घर को पूरा सजा के रखा हुआ है, पूरा घर को मेंटेन करती हूँ अकेले पूरा। फिर हमारा टिफ़िन देखिए दाल और यहाँ पे पेटाई परोठा और यहाँ पे मिठाई था। अभी हम मार्केट में आए हुए हैं, तो इसके बाद अब हम लोग कहाँ रुके थे, अब हम मार्केट में गए थे, मार्केट में गए थे ना, मार्केटिंग कर रहे थे और चाय। तो मार्केटिंग करने के बाद हम लोग थोड़ा थक गए थे, तो फिर लगा कि थोड़ा सा एनर्जी गेन करते हैं, तो एनर्जी किससे मिलता हुआ चाय से, तो हम लोग क्या किए कि हम लोग एक चाय के दुकान में रुके वहाँ पर चाय पीने के लिए। तो फिर उस दुकान में देखे हम लोग कि एक पुराना ढंग का जो दुकान होता था ना पहले के ज़माना में, वो एक उसका जो बनावट है वो देख के लगेगा आपको कि ये दुकान जो है काफ़ी पुराना है और काफ़ी चालू दुकान है, मतलब चलती दुकान है। फिर जब हम लोग अंदर बैठे तो हम लोग को दिखा कि ये दुकान का जो भी चीज़ है वो थोड़ा यूनिक टाइप का था, एक मिट्टी का घड़ा था काफ़ी बड़ा सा, और जो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। उसके बाद आलू चॉप बनता है बहुत टेस्टी इस दुकान में, खा गए। तो ये जो फ्रेंड्स आप लोग जो मार्केट देख रहे हैं ये काफ़ी बड़ा मार्केट है, इसलिए यहाँ एकदम अर्ली मॉर्निंग में यहाँ पर ग्रीन वेजिटेबल्स का मार्केट बैठता है, जो काफ़ी बड़ा मार्केट है, और आप लोगों को यहाँ पे हर सब्ज़ी मिल जाएगी, जो भी सब्ज़ी आप लोग चाहते हैं, और सारा एकदम फ्रेश मिलेगा। और ये देखिए सब्ज़ी दिख रहा है, फ्रूट्स दिख रहा है, ये सब फ्रूट्स का दुकान है, यहाँ पर फ्रेश फ्रूट भी मिलता है। तो हम लोग जब मार्केट में आते हैं मार्केटिंग करने के लिए, हर चीज़ हम लोग को यहाँ अवेलेबल हो जाता है, हम लोग को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। हम लोग अब धीरे धीरे अंदर की ओर जा रहे हैं, अंदर में काफ़ी बड़ा मार्केट है, जो गारमेंट्स का भी है और आपको जो डेली यूसेज के लिए है, बर्तन का है, मतलब जो भी आप चाहते हैं अपना घर चलाने के लिए आपको सारे चीज़ वहाँ मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मार्केट में थोड़ा सा घूम भी रहे थे और कुछ मार्केटिंग भी कर रहे थे। इसके बाद फ्रेंड्स मार्केटिंग करने के बाद हम लोग वापस घर चले, फिर से हम लोग हेलीकॉप्टर में बैठ गए हैं और ये देखिए हेलीकॉप्टर से मैं देखिए फ्रेंड्स हमारे लंच में चावल, ये है आलू उच्छे चच्चड़ी, ये है कलमी साग, मछली, यहाँ पे है छोटा फिश फ्राई, यहाँ पे है चच्चड़ी, ये है फिश एग बड़ा पकोड़ा, बहुत कुछ है। ये है मछली फिश, छोटा फिश फ्राई है वो ना। कुछ अभी लंच में क्या खाएंगे पता नहीं चल रहा है। इसके बाद दही मिष्टी है। लड्डू मज़ा आया? ठीक है चलो। तो अभी जाने का टाइम आ चुका है घर में, और ये देखिए लड्डू का मन कितना सैड हो गया है, उदास हो गया है लड्डू का मन। ये देखिए चेहरा देखिए इसका कितना सैड हो चुकी है। दादा दादी को छोड़ के जाना पड़ रहा है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ रिकॉर्डिंग नहीं किया है। और घर में जाने के बाद भी बहुत सब टायर्ड हो चुके थे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको पूरा घर का वीडियो होम टूर तो नहीं दे पाई हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगी तो कोशिश ज़रूर करूँगी आपका पूरा घर का रूम टूर दे सकूँ, और साथ में मम्मी पापा को भी आपको दिखा सकूँ, क्योंकि सभी थोड़ा काम में बिजी थे इसलिए उन्हें मैं दिखा नहीं पाई हूँ इस वीडियो में। ये टूर बहुत मज़ा आया, काफ़ी दिनों के बाद मम्मी पापा से मिले तो बहुत अच्छा लगा। नेटिव टाउन आए थे, बहुत मज़ा आया। सो फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट इन आवर चैनल दैट इज़ लड्डू की दुनिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक अच्छे ब्लॉग के साथ फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय।